हेलो एवरीवन। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड्स करेंगी, क्या मैकेनिज्म फॉलो करेंगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में। ओके, सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने की जर्नी में बहुत सारी चीजें आती हैं। हम एक एक करके उन सबको डिफाइन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएजेंट को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी थी। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी को डिफाइन किया था। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी सॉल्वेंट में जाने के बाद उसका अलग अलग ऑर्डर आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हमने आपको क्लियर किया था पूरी तरह से। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग जनरेट करेंगे रिएक्शन को, कैसे आगे बढ़ाएंगे जब हम इन सारे कैरेक्टर्स को जान लेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, अब हम यूज करेंगे उन कैरेक्टर्स का रिएक्शन तक पहुंचने के लिए, प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट से। ओके, तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोग कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। ओके, जिसमें से हम लोगों ने लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में बात करी थी। आज लेक्चर को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलिए जरा देखते हैं। सी, आपको ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि हमें हमारा फाइनल मोटो क्या है, हमारा हम चाहते क्या है बनाना इस रिएक्टेंट से, क्या चाहते हैं हम कि ये प्रोडक्ट बने, हम चाहते हैं कि ये रिएक्टेंट कहां चला जाए, इस प्रोडक्ट में। सही बेटा, अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारी बातें हैं, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा शायद आपको ही दो चार जगह पे मिले, वरना मोस्टली नहीं दिखेगा। रीजन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, हम ऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ऑर्गेनिक में जो टूल्स हैं उन सबको पहले पढ़ेंगे, उनको यूज करना सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सारे चैप्टर्स यूं 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 कैसे खत्म हो जाते हैं अपन से। ओके, तो बहुत इजीली हम लोग क्रैक करने वाले हैं पूरी ऑर्गेनिक को बिना किसी डाउट के। ओके, सो आप बने रहिए मेरे साथ, देखिए अब ध्यान से समझिए इसको, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा मोटो क्या है, हम यहां से यहां जाना चाहते हैं। अब मैं बार बार आपको अलग अलग रिएक्टेंट दूं और उसकी सबकी अलग अलग जर्नी से यहां तक पहुंचाऊं, एक तो यह तरीका है। दूसरा यह तरीका है, मैं यहां से यहां तक जाने में जितने भी बीच के रास्ते आए, जैसे यहां से यहां तक आने में, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, ठीक? तो क्यों ना हम लोग यहां से यहां आने के जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं पहले उनको एक्सप्लोर कर ले। ओके, फिर यहां से यहां जाने के जितने पॉसिबल रास्ते हैं उन सबको एक्सप्लोर कर ले, और फिर यहां से यहां वाले एक्सप्लोर कर लेते हैं, और फिर इनमें से किसी एक को उठाएगा, किसी इसमें से एक को उठाएंगे, और फिर किसी एक पॉइंट को इसमें से उठाएंगे, और यहां से वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो अगर जो आप बहुत सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे इसमें ऑर्गेनिक में, यहां से वहां तक जाने के लिए एक से एक रास्ते मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसीलिए आप एक काम करिए, हम लोग सबसे पहले हम क्या करने वाले, हम इस रास्ते को पढ़ेंगे, फिर इस रास्ते को पढ़ेंगे, देन हम यहां आएंगे, उसके बाद हमें चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए बहुत इजीली हम लोग क्रैक कर पाएंगे उस क्वेश्चन के। ओके, सो आपको प्रोटोटाइप समझ में आना चाहिए कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं और करने कैसे करेंगे। हो सकता है आपको अभी क्वेश्चन ना मिल रहे हो, अभी क्वेश्चन आपको ना दिख रहे होंगे, सर कि हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई रिएक्शन हमसे नहीं बन रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब रिएक्शन बनना शुरू होगा तो इतनी सारी बन जाएंगी कि आप कहेंगे बहुत हो गया बस करो। ओके, सो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पर थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में ऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। ओके, सो आई होप कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। आप बाकी लोगों से एक बार चाहें तो अपने आपको चेक कर लीजिए आगे चल के, ठीक है, कि आपका कैसा रहा और उनका कैसा रहा। हो सकता है उनका भी अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर फिर भी ये तरीका वाकई में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था रिएक्टेंट से बनाना इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही बनेगा। ओके, कुछ और भी बन सकता है, कार्बोन आयन बन सकता है, फ्री रेडिकल बन सकता है। ओके, फिलहाल हम लोग कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक रिएक्शन का प्रोसीजर यही है, यहां से यहां आना, पॉसिबल है तो ये इंटरमीडिएट रीअरेंज करेगा, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है। कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पे ये रीअरेंज करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता, ध्यान रखना। कुछ और होगा तो हो सकता है ना करें, यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए हम लोग, सीधे यहां से आ जाए प्रोडक्ट पे। ओके, कोई जरूरी नहीं है, कार्बोकैटायन भी बने तो कोई जरूरी नहीं है, रीअरेंज होगा ही। अभी हम लोग एक एक करके केस देखेंगे, ठीक है? तो देखो,
इंटरमीडिएट तो बनाएंगे और इंटरमीडिएट बनाने के बाद हम लोग प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि कोई जरूरी नहीं है, ये सारी बकवास उस रिएक्शन के लिए है जो रिएक्शन नॉन कंसर्टेड थी। नॉन कंसर्टेड मीन्स बेटा वो रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में हो, ओके एक स्टेप में नहीं, सिंगल स्टेप में नहीं, एक ही स्टेप में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ बनना, और जैसा होता था उसको बोलते थे हम लोग वो रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, मींस यहां से वहां डायरेक्ट, ओके। अब लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक की रिएक्शन बेटा सिंगल स्टेप नहीं मिलती है आपको, तो ऐसे केस में आपको इन सबों को पढ़ना पड़ेगा। सिंगल स्टेप होगी तो ये सारा ड्रामा अपने आप खत्म हो जाएगा, यहां से सीधे वहां पे हमें ले जाना है, ओके। सो तो हमारा अभी का टॉपिक था, हम आज इस सेगमेंट को पूरी तरह से खत्म करेंगे, ओके। और कुछ लोगों को मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं पर फिर भी हम दोबारा से ये सेगमेंट कवर करेंगे एंड देन हम लोग यहां से आएंगे, तो ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर्स में आप पहुंच जाएंगे रिएक्शन तक। पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अब तक की ऑर्गेनिक में, इवन हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार। देखो आप कहोगे कि हर बार आप यही बोलते हो, लेकिन क्या करें, ऑर्गेनिक है ही ऐसी, हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी मिस किए तो वहां पे आप लैग कर जाओगे, ओके। तो ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक फॉर्मेशन कर रहे हैं इंटरमीडिएट, अगर जो आप यही नहीं बना पाएंगे तो वहां तक जाने की तो बात ही नहीं होती है फिर, है ना। तो यहां से यहां तक के आने की जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे समझिए, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें से पहला हम लोगों ने तरीका जो अपनाया था वो बेसिकली क्या था, पहला जो सबसे मेथड अपनाया था हम लोगों ने वो था हेट्रोलिसिस, बाय हेट्रोलिसिस, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिसिस से, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ इस तरह से एक मेथड लिया था कि साहब आर और यहां पे जो निकलने वाला है वो है लीविंग ग्रुप, ठीक है, और इस आर को हम लोग आर से लीविंग ग्रुप को निकाल रहे थे और यहां से बना रहे थे आर पे कार्बोकैटायन और लीविंग ग्रुप पे माइनस, और एक चिल्ला चिल्ला के नारा बोल दिए थे हम लोग कि लीविंग ग्रुप कौन बेहतर होगा, लीविंग ग्रुप कौन बेहतर होगा बेटा बोलो, है क्या बोले थे, वीकर बेसिस आर द बेटर लीविंग ग्रुप। इसका ड्रामा हम लोगों ने बहुत सारा देखा था, इसमें बहुत सारे तरह के लीविंग ग्रुप डिफाइन किए थे, बोले थे कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, कौन कौन से लिविंग ग्रुप होंगे तो कौन कौन से अच्छे वाले हैं, कौन कौन से बहुत अच्छे वाले हैं, जैसे N2 जो बोला था हम लोगों ने निकलेगा तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, सुपर लिविंग ग्रुप उसको हम लोग बोलते थे, या फिर और कौन एक बोले थे नोसाइलेट इज अगेन सुपर लिविंग ग्रुप, ओके। सो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था, ठीक है बेटा। तो जरा समझना, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में चलते हैं एक एक करके। तो चलो जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया आरसीएल, सी अभी हम आपको इसी में कई सारे चैप्टर के रिएक्शन का इनिशिएटिव समझा देंगे, कैसे हम लोग इनिशिएट करेंगे रिएक्शन को, ठीक है। तो चलो हमने ये लिया आरसीएल या आर आई या आर बी आर, फ्लोरिन मत लीजिएगा, है ना। और यहां पर मान लिया इसको हमने जल में लिया, इन वॉटर H2O में ले लिया इसको, तो बेसिकली बेटा जी आपको मालूम है ये रिएक्शन एक इधर बॉन्ड टूटेगा आरसीएल की तरफ और क्या बनेगा, यहां पे आर का कार्बोकैटायन और सीएल का माइनस, ओके। और देखिए हमने ऐसा क्यों किया, जल में इसको क्यों लिया, पानी में क्यों लिया, क्योंकि पानी दोनों कैटायन और एनायन को, दोनों कैटायन और एनायन को क्या कर लेता है, घेर लेता है, क्या कर लेता है, इसको घेर लेता है, सॉल्वेंट कर देता है। आपको बताया था हमने वॉटर इज वॉट, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक होगा क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा, हाइड्रेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेटेड कैटायन, हाइड्रेटेड कैटायन, ये क्या है, हाइड्रेटेड एनायन, हाइड्रेटेड एनायन, ठीक है। तो ये इसको पकड़ के रखेगा, स्टेबल करेगा, इतना स्टेबल कि ये वापस से आके ना भिड़ जाए, ठीक है। तो इसको बना के रखेगा, एक तो तरीका ये हम लोग ऐसे कर ले, ठीक है। दूसरा एक तरीका एल्काइल है, दिस इज बेसिकली एल्काइल हैलाइड हैलोजन। दूसरा देखना है, आरसीएल हमने लिया और इस बार हमने कोई एक लुईस एसिड ले लिया AlCl3। तो देखना जरा बेटा, समझिएगा ध्यान से अभी आराम से, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास आपको मालूम है कि एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल।
तो क्या ये मैं कहूं एक और इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में रहेगा, एक बॉन्ड बनाने के चक्कर में और है ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में, तो ये यहां से सीएल निकल के इसको मिल जाता है और यहां से अगेन बन जाएगा आर का प्लस और AlCl4 पे माइनस, AlCl4 पे माइनस मींस या तो वो निकल के अपने आप स्टेबल हो जाए या फिर वो निकले तो उसको कोई साथी मिल जाए जो उसको पकड़ के रखे रहे। ओके तो यहां पे वापस से बन गया हमारा इंटरमीडिएट क्या, कार्बो कैटायन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बात। ओके मैं हटा रहा हूं उसको। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां से RCl से इस Cl को AlCl3 को दे दिया। ठीक है, और बन गया यहां पे कार्बोकैटायन और ये इसको कैप्चर किया हुआ, पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि यहां पे क्या था लुईस एसिड, ये क्या था लुईस एसिड। अब ऐसे हम लोग लुईस एसिड और भी ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे RCl और यहां पर आपने क्या ले लिया AlCl3 ले लो या SbCl5 ले लो, SbAntimony SbCl6 माइनस में चला जाएगा ये, या फिर क्या कर लीजिए इसमें FeCl3 ले लीजिए, FeCl3 क्या करेगा ये भी सेम काम FeCl4 माइनस में चला जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये इनके पास क्या खाली है, वैकेंट डी है इनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं और क्या बना देंगे यहां से कार्बोकैटायन और ये चला जाएगा SbCl6 माइनस में और ये चला जाएगा FeCl4 माइनस में। ओके बेटा क्लियर है बात। तो एल्काइल हैलाइड से तीन तरीके, या तो पानी में डाल के या तो कोई लुईस एसिड लेके हम लोग इस तरह से रिएक्शन को कार्बोकैटायन तक ले जा सकते हैं। क्लियर है बात, है ना। चलो एक और तरीका देखो, एक और मेथड जो आप लोग आपको देखने को मिलेगा पूरी ऑर्गेनिक में वो कुछ इस तरह से AgNO3 का यूज करेंगे हम लोग। AgNO3 आपको मालूम है Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा ये, यहां से आपको अगर जो देखें तो यहां से बन जाएगा R प्लस, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, Cl माइनस और Ag प्लस कंबाइन हो जाएंगे और AgCl बनेगा। क्या AgCl अच्छे से मालूम है इसका व्हाइट पीपीटी आती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी सेटल डाउन हो जाएगा और NO3 का माइनस, NO3 का माइनस ये बन गया आपका कार्बो कैटायन। कार्बो व्हाट बेटा, कैटायन। तो एक तो तरीका आप ये वाला अपना सकते हैं यहां तक आने के लिए। अच्छा एक बात देखो, यहां पे ये सब बनाते समय हम एक बात बाय डिफॉल्ट ये बात हम मान चुके हैं कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल है, है ना। हम ये मान पहले ही मान चुके हैं ये स्टेबल है तभी बना रहे हैं। अगर जो यही स्टेबल ना बने, क्योंकि अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे लिविंग ग्रुप की, है ना, किसकी बात कर रहे थे लिविंग ग्रुप की, लेकिन मान लो ये स्टेबल ही ना बने तो क्या हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे। जैसे इस तरह से देखो, इस तरह से जैसे मान लो यहां पे सीएल है और यहां पे आपने ले लिया AgNO3। ठीक है, तो यहां से आप सीएल जब निकालोगे मेरे लाल तो क्या बनेगा यहां पे, हैं बताओ क्या बनेगा। तो यहां पे आ जाएगा प्लस और देखो ध्यान से ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। क्या ये बनेगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये रिएक्शन होगी, एकदम नहीं, सोचना भी नहीं, आया ना। इसी में देखो एक इस तरह से ऐसा है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला, यहां से आप निकालते हो क्या क्या चला जाएगा CH और इस कार्बन में पॉजिटिव, क्या इस कार्बन में पॉजिटिव निकलेगा इतना आसानी से, बिल्कुल नहीं बेटा। इस तरह से आप नहीं निकालेंगे कतई नहीं ना। हाँ लेकिन अगर ऐसा रहता तो देखो जरा इस तरह से आ जाए सी और फिर AgNO3 ले लें, तो देखो यहां से निकलने के बाद क्या बनेगा, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहां पे देखो ध्यान से कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे डबल सिंगल पॉजिटिव यहां पे रेजोनेंस में है तो ये बनेगा, यस बनेगा, ये वाला रिएक्शन होगा। लेकिन जब इस तरह के ड्रामे आएंगे जहां पे कार्बो कैटायन ही हाईली अनस्टेबल होगा
वो आने वाला नहीं बेटा। तो हम ये मान के चल रहे हैं इन सब केसेस में कि ये कार्गो का टैंक जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। अभी हमारी कहानी सिर्फ लिविंग ग्रुप को लेके है, ठीक है, सारी बकवास जो है वो लिविंग ग्रुप को लेके है, क्योंकि कार्गो का टैंक की स्टेबिलिटी की बकवास ऑलरेडी हो चुका है। हम मान के चल रहे हैं कि आपको कार्गो का टैंक की स्टेबिलिटी मालूम है, कौन स्टेबल है कौन हाईली अनस्टेबल है। वैसे हम आगे जब रिक्शा आपसे कराएंगे तो आपके साथ ही हूं मैं, घबराइएगा नहीं, हम चलेंगे एक एक करके, हम आपको बताएंगे कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा बहुत आप अपना भी दिमाग चलाइए और थोड़ा दिमाग दौड़ाना शुरू कर दीजिए, ओके। तो ये था एल्काइल हैलाइड से कुछ तरीके थे बनाने के हमें कार्बो कटायन के, ओके। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं कि ये बनाओ आर ओ एच। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो समझ आने का, मैं क्या मैंने क्या किया, आर ओ एच, आर ओ एच एक रिएक्शन कंडीशन है जिसमें हम ये बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो एक बार हमने इस तरह से तोड़ा, R पे प्लस और OH पे माइनस, ये वाला हमने बॉन्ड तोड़ा, और एक बार हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा RO पे माइनस और H पे प्लस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा वाला पॉसिबल है, आप सोच बताइए, विच वन इज फिजिबल रिएक्शन के दौरान, ये कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, कौन सा वाला पॉसिबल है, सोच के देखिए ना, सोच के देखिए, जवाब दीजिए, पहला वाला या दूसरा वाला या दोनों है। तो कुछ लोग कह रहे होंगे सर पहला वाला, देखो इसमें क्यों, क्योंकि निकलने के बाद कार्बो कटायन बन रहा है और ये OH माइनस, तो ठीक ठीक स्टेबल। कुछ लोग कह रहे होंगे ये वाला, अपने अपने रीजन सबके होंगे, हो सकते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि बेटा ये दोनों ही नहीं है, ना तो ये होगा और ना ही ये। अरे गधो याद करो क्या बोला था हमने कि निकलने वाला बेस लिविंग ग्रुप, अगर जो क्या हुआ, अगर जो लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी लिविंग ग्रुप जो है वो अगर जो अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन क्या यहां रुकेगी, रिएक्शन क्या यहां पे रुकेगी, बोलो, नहीं ना, रिएक्शन कहां भाग के आएगी, वापिस से इधर पे, रिएक्शन किधर भाग के आएगी, इधर पे आया ना। तो ये जो बन रहा है ये अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। देखो OH माइनस पे हाईली अनस्टेबल, स्मॉल साइज ना, ये भी RO माइनस हाईली अनस्टेबल, दे आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एफिनिटी इनकी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन भाग के इधर आ जाएगी तुरंत, आया ना, बोलो यार ये बात समझ नहीं। तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, तो क्या सर अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, क्या ये अल्कोहल आगे तक नहीं जा पाएगा, क्या हम अल्कोहल से कार्बो कैटायन नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई और तरीका है, चलिए जरा समझ लीजिए। यानी कि अगर जो हम लोग हाइड्रोलिसिस करा के डायरेक्ट अगर जो हम लोग बनाए कार्बो कैटायन, तो देख रहे हैं जो लिविंग ग्रुप बन रहा है ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये तरीका तो हम लोग नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप को डायरेक्ट निकाल पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है ऐसा, है ना। तो एक अल्टरनेट मेथड हम लोग अपनाते हैं, यहां पे एक अल्टरनेटिव लेते हैं हम लोग, यहां पे जरा देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, आर ओ एच पे हम लोग किसी एसिड लेंगे, कोई एसिड, एसिड से एच प्लस को इन्वाइट करेंगे और कहेंगे साहब देखो तुम आओ, और इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, अब H प्लस को इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी बहुत ज्यादा, और इसके बाद लोन पेयर है, तो ये कहेगा चलो भाई ठीक है दे देते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये यहां से इसने H प्लस अपना दिया और यहां से बन गया क्या R O H 2, और इसमें बन गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, थोड़ा सा जल मिलाइए यहां पे और देखिए क्या करामात होता है, यहां से तुरंत निकल लेगा और यहां से क्या बनाएगा, फटाफट कार्बो कटायन, और क्या बनाया, H2O, H2O वाटर, एंड दिस वाटर इज व्हाट, बेटर लिविंग ग्रुप, बिकॉज इट इज व्हाट, न्यूट्रल। ये क्या हो गया, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, बेहतर लिविंग ग्रुप, क्लियर है बात। तो देखो या तो आप लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाए स्टेबल होके, या तो उसको कोई पकड़ के कैरी किया रहे, या फिर किसी और चीज से हम अटैक कराएं इसके ऊपर, और वो जब लेके निकले तो
उस बेस को जो निकल रहा है उसको वीक बनाते हुए जाए, स्ट्रॉन्ग पे ना छोड़े। अगर जो हम इस तरह से नहीं ले जा सकते रिएक्शन को, ध्यान रखिएगा रिएक्शन में गलती आप बहुत जल्दी कर देंगे, ये वाला इस तरह से नहीं, ड्रामा देना आपको इस बात का ध्यान देना है। तो H+ का अटैक कराया हमने, यानी एसिडिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन ली यहां पे हमने? एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मीडियम। अब वो एसिड क्या क्या ले सकते हैं आप? H2SO4 ले सकते हैं बेटा, H2SO4 एक्वस फॉर्म में, KHSO4, H3PO4, है ना, तमाम एसिड आप यहां पे ले सकते हैं, जो क्या करेंगे यहां से H+ सप्लाई करेंगे और यहां से निकल जाएगा। क्लियर है बात? ओके चल, अब देखो इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप इसको बेसिक मीडियम में करा के दिखाओ। तो आपने कहा ठीक है सर, चलिए एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो देखो बेटा ये है न्यूक्लियोफाइल और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या इसके ऊपर ये अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या? नो। तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होने वाली, इस बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना, याद रखेंगे। चलिए अब आठवां, ये अल्कोहल था, अल्कोहल से हमने बनाया। अब देखो ईथर ले लो, आर ओ आर को क्या करोगे, क्या डायरेक्ट बनाओगे? डायरेक्ट क्या यहां से हम बना सकते हैं आर प्लस और ओ आर पे माइनस? नो। क्यों? क्योंकि ये बनने वाला जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो अगेन इसके अल्टरनेटिव्स लेंगे हम लोग, क्या क्या, एक क्या लेंगे आर ओ आर एसिडिक मीडियम में, कौन सा मीडियम दिया हमने, एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशन जब बनाएंगे तो इस पर अटैक होगा, इसका क्या बनाएगा यहां से आर ओ, यहां से आ गया एच, यहां पे आ गया आर, इस पर आ गया पॉजिटिव, और अगले स्टेप में ऑक्सीजन अपने आप को पॉजिटिव बनाने के चक्कर में थोड़ा सा पानी में इसको डालेंगे और यहां से इसको निकाल देगा और यहां से बनाएगा आर प्लस और क्या बनाएगा आर ओ एच। नाउ इट इज वीक, दिस इज वीक बेस। ओके, तो आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे कभी भी। ओके तो एक तो तरीका यह हो गया, दूसरा तरीका देखो आर ओ आर बेसिक मीडियम ले लो ओ एच माइनस, तो क्या अब बताओ अटैक होगा यहां पे, क्या अटैक होगा यहां पे बेसिक मीडियम में, क्या रिएक्शन करेगा? नो, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो इसको निकाल नहीं पाएगा ये, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये हो जाता है पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या भाई कहते हैं, ईथर की रिएक्शन जब कराएंगे हम, ईथर की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो कभी भी मीडियम बेसिक नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करेगा। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, किस मीडियम में रिएक्ट करेगा? ओनली एंड ओनली एसिडिक मीडियम। किस मीडियम में? सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना ये नारा याद रख लो। क्या कि भाई ईथर साहब जब आएंगे तो इनको कौन सा मीडियम परोसा जाएगा? एसिडिक, ना कि बेसिक। गलती से भी नहीं। ओके So, now, अब आते हैं हम लोग अमीन, RNH2, बहुत इंटरेस्टिंग, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आपको अगर जो डायरेक्ट निकालना हो तो बेटा जी R प्लस बनाएंगे आप और बनाएंगे NH2 पे माइनस, और आपको मालूम है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, खतरनाक वाला, इवन ये उससे भी ज्यादा अच्छा, OH माइनस से भी ज्यादा अच्छा बेस है। तो ये तो जब वो नहीं बन रहा था तो ये क्या बनेगा? क्या ना बनेगा क्या बताओ ना, कोई चांस नहीं होगा। तो यहां पे एक अल्टरनेटिव लेते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन। अब आपने सोचा होगा कि सर कोई बात नहीं, एसिडिक मीडियम दो H+ के इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा और इसको न्यूट्रल फॉर्म में यहां से बाहर निकालेगा। कैसा था? तो वो इस तरह से सर यहां पे आ जाएगा NH3+, अगले स्टेप में यहां से इसको निकाल दो लोन पेयर देके और यहां से बना दो R प्लस और अमोनिया। यस, यहां से निकल गया और अमोनिया इज वीक बेस। ओके, लेकिन बेटा जी अमोनिया उतना भी वीक नहीं है कि आसानी से यहां पे बन जाए, निकल जाए। ठीक है, तो ये भी कोई बेहतर मेथड नहीं है, कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है निकालने का। ये 99% केसेस में आप ये ड्रामा नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा इसको। H+ का अटैक करा के यहां नहीं पहुंचेंगे,
बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन मिलेंगी जब आपको लगे ये करा दें, लेकिन ये कराना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो बहुत दो बहुत खूबसूरत मेथड हैं, बहुत ही शानदार, आपको बहुत जबार मिलेगा ये, जिसको हम लोग कराएंगे यहां पे, समझना जरा। पहला तरीका इसमें है कि हम लोग क्या करें, देखो जरा। अच्छा, इस पे आने से पहले ना मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें अल्कोहल वाले में और ऐड करता हूं, जरा रुकिए। बेसिकली हम लोग अल्कोहल वाले में क्या कर रहे थे, चलो यहां पे 15 से ले लेते हैं हम लोग, या फिर 13 से ले लेते हैं ROH। अब मैं थोड़ा सा आपसे एक बात बोलता हूं, देखो यहां पे हमने क्या लिया, हमने बोला कि मैंने यहां पे ले लिया ACCL, एसी और एसआईल ग्रुप, याद करो एसआईल ग्रुप क्या होता था, CH3C(OCl), हमने ये लिया है, समझ रहे हैं, ACCL लिया, और यहां से बनेगा क्या, यहां से बन गया ROAC, और क्या निकल जाएगा यहां से Cl, और यहां से H, यहां से HCl निकल गया, यस इट इज न्यूट्रल, बहुत आसानी से निकलेगा। अब यहां से क्या होगा अगले स्टेप में हम लोग यहां से इसको निकाल देंगे, इस वाले पार्ट को निकालेंगे, क्या बनेगा R+ और OAC पे माइनस, और OAC पे माइनस आपको अच्छे से मालूम है, इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप, कैसे दिखाया था हमने लिविंग ग्रुप में, ये अच्छे वाले लिविंग ग्रुप हुआ करते थे, कैसे देखो ये ऐसे क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, आया ना बेटा, बोलो होता था ना। तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको, एल्कोहल से हम इस तरह से भी रिएक्शन करा के आगे बढ़ सकते हैं। और क्या ले सकते हैं यहां पे, और क्या ले सकते हैं बताओ, ROH, और यहां पे क्या ले लो आप TSCL है आपको, तो साइड क्लोराइड, तो क्या बना देगा यहां पे बताओ, ROTS, और अगले स्टेप में क्या होगा बताओ, अब तो इजी है ना, R+ OTS- टोसाइल ग्रुप, इससे भी अच्छा है, साइज से भी अच्छा टोसाइल, लास्ट क्लास 15 ROH, यहां क्या ले लो BSCL ब्रोसाइलेट, याद है आपको ब्रोसाइलेट, और इस सबसे बेहतरीन कौन सा था, सबसे बेहतरीन ROH TSCL बेटा, ये सबसे शानदार होगा, ये सुपर लिविंग ग्रुप है ना, यहां पे क्या बना देगा ROTS, और यहां से क्या बना देगा R+ TSO- टोसाइल, याद है आपको, सॉरी टोसाइल नॉट टोसाइल नोसाइलेट, यहां पे थोड़ा चेंज करते हैं, टोसाइल तो हो चुका है, इसको हम लोग चेंज कर दो, ये ले लो NS, नोसाइलेट, तो यहां पे क्या जाएगा NS, और यहां क्या बन जाएगा NS, नोसाइल याद है आपको, नोसाइलेट क्या होगा बताओ, कुछ इस तरह से था ना, यहां पे थे आपका S(OO), ये और ये था NO2, इसको हम लोग बोले थे नोसाइल, ठीक है, और यहां से आपका Cl जुड़ा हुआ है, ये यहां से आपका जुड़ा हुआ Cl, तो ये NSCl की बात करें तो यहां पे Cl, और यहां से ये निकल रहा है, तो देखो यहां पे बेसिकली अब यहां पे O आके जुड़ गया यहां पे इस वाले केस में, तो अगर ये आप बनाना चाहेंगे तो यहां पे O को जोड़ेंगे, और उस O पे जो माइनस आएगा वो इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा, एक्सटेंडेड भी करेगा, और हाईली अनस्टेबल होगा, इसीलिए अगर जो कहीं से भी आपको NSCl दिख जाता है ना, TSCl दिख जाता है ना, सोचना ही नहीं है, एकदम खटाक से तुरंत बना देना है ना, सोचना नहीं है ज्यादा इसमें, तुरंत बनाएंगे हम लोग तुरंत फटाफट। अब ऐसा ही आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा, ठीक, ऐसा ही के समूल निहाल लेते, वापिस आ जाओ, ठीक है। अब यहां पे अमीन से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो कहा साहब हमके साथ जो अल्कोहल के साथ ड्रामा चल रहा था, H+ का अटैक करा कि आप ये बना ले रहे थे, उतना इजी नहीं है यहां पे बना पाना, ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, पॉसिबल है तो कुछ और तरीका अपनाते हैं, तो एक तो तरीका ये है बेटा कि यहां पे आप RNS2 लो, और यहां पे आपने रिएक्शन करा दिया, चलो TSCL ही लेते हैं, है ना, TSCL से करा दिया,
TSCl से टू इक्विवेलेंट लेंगे। टू इक्विवेलेंट क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने दो H को हटाना था। तो यहां पे क्या बनेगा, R N, एक TS यहां जाएगा और एक TS यहां पे, ठीक है। और अगले स्टेप में जब हम इसको निकालेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके, तो यहां पे बना जाएगा R पे प्लस और N TS2 पे माइनस, और ये N TS2 पे माइनस हाईली स्टेबल होगा। याद करो ये टोसाइल से, टोसाइल में टोसाइल बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, मैं कैसे बनाऊंगा बताओ। ये N है, इसमें माइनस, यहां पे S डबल बॉन्ड O, और यहां से कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग और इससे CH3, और ऐसे ही एक और जुड़ा हुआ है यहां पे S डबल बॉन्ड O, यहां से कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, और यहां पे देखिए नेगेटिव सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा, इतना भयंकर रेजोनेंस करेगा कि ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो इजीली से निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, हाँ ना, निकल जाएगा कि नहीं, हाँ। तो एक तो बहुत ही शानदार मेथड ये वाला है कि हम लोग इसको इस तरह से निकाले TSCl से, ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा इससे भी मजेदार, जो पूरी ऑर्गेनिक में आपको दिखता रहेगा, सबसे ज्यादा वही दिखेगा आपको, दूसरा वाला मेथड बहुत खूबसूरत मेथड है। देखिए ये वाला RnS2, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएं, देखना किससे, HNO2 के साथ, किससे, HNO2 के साथ, या फिर कई बार हम लोग इसको HNO2 डेड नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हम लोग लेते हैं इसको अलग फॉर्म में, Na NO2 प्लस HCl के फॉर्म में, Na NO2 या फिर HCl के फॉर्म में, और यहीं से इसी से बनता है NOCl। बेसिकली ये दोनों ही, चाहे इसको लें चाहे हम लोग इसको लें, ये सब कुछ मिला जुला के ये एक NO+ का कैरियर होता है। बेसिकली ये NO+ प्रोवाइड करते हैं। हम अभी मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे आएंगे, इसकी बहुत लंबी कहानी है, पूरी रिएक्शन में, पूरी ऑर्गेनिक में बहुत बार आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत शानदार तरीके से इसको इसका पेश किया जाएगा आपके सामने। बेसिकली यहां पे होता क्या, बस ये समझो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा ध्यान रखना इसको। जब ये ड्रामा होता है तो यहां पर बनता है आर एन जी, ये बन जाता आर एन टू। ओके, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से ये निकलेगा और क्या बनाएगा, R प्लस प्लस N2। याद आया कुछ, N2 को क्या बोला था मैंने, इट इज अ सुपर लिविंग ग्रुप। क्या निकलेगा यहां पे, यस, तो अमोनिया से RnS2 से अमीन से हम लोगों ने इजीली कार्बोकैटायन नहीं बना पा रहे थे, हमने उन चीजों का यूज किया जो सुपर लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहे थे, इधर N2 और TSCl। ओके, डायरेक्ट एच प्लस का नहीं, एक आध बार होगा जब हम आपको बताएंगे कब होगा, लेकिन इजिली नहीं निकालेंगे क्योंकि अमोनिया इतना भी वीक नहीं है कि वो इसको त्याग दे आसानी से, ठीक है बेटा। तो ये है आपका अमीन से, तो पहले देखा हमने अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे कार्बोकैटायन, फिर अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, फिर ईथर से कैसे बनाएंगे, और ये अमीन से। तो कुल चार चैप्टर की रिएक्शन का आपने ड्रामा देख लिया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था हमारे पास बनाने का कि किस तरह से हम लोग क्या करें, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करा के, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग करा के हम लोग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करें। अब सेकंड मेथड है पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है